ओम शांति। शिव बाबा कह रहे हैं कि बाबा के जो राइट हैंड बच्चे हैं वो निस्वार्थ होते हैं, निष्काम सेवाधारी, गुप्त सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी। तो आज की पूरी मुरली सेवा पर आधारित है, लेकिन सेवा कैसी? जो सच्चा हीरा होता है, प्रतीक बनाकर बाबा ने कहा कि सच्चा हीरा कई बार नकली हीरे के अपेक्षाकृत कम चमकता है। नकली हीरे की चमक कई बार ज्यादा तेज होती है, लेकिन वो अल्पकालिक होती है। सच्चा हीरा, उसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो हमें गुणों से सच्चा हीरा बनना है, आत्मा रूपी हीरे की चमक तेज करनी है। शिव बाबा से निरंतर योग करते रहना है, उससे उसकी याद में जुड़े रहें। क्या होता है कि हमें बाबा पर भी कई बार भरोसा नहीं होता, तो विश्वास निश्चय बुद्धि रखकर बाबा का राइट हैंड बनकर हमें एक कदम हिम्मत का, बाबा ने कहा कि बच्चों की एक कदम बाबा की हजार कदम मदद की होती है। तो दुनिया में महंगाई से, भूख से, मन के रोग से, तन के रोग से लोग परेशान हैं, दुखी हैं। हम फरिश्ता बनकर उन्हें गति सदगति का वरदान दें, सकाश दें। 2-3 दिन पहले की मुरली में चला था कि छुट्टी वाले दिन 2-3 घंटे बाप दादा की याद में बैठ जाओ। कमाई करनी है, स्लेट को साफ करके बाबा को याद करना है, शक्ति लेनी है और शक्ति को विश्व ग्लोब पर बैठकर सकाश देना है। तो आज निरंतर योगी, निरंतर शिव बाबा की याद में बैठकर विश्व को शांति और सुख का, गति और सदगति का सकाश देंगे। ओम शांति।